सिविल लाइन से विधायक और पत्रकार गोपाल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन शुरुआत इसी मुद्दे से करते हैं जिसे लेकर आज प्रेस वार्ता बुलाई गई। कांवटिया अस्पताल के जो आसपास जो ज़मीन है उसकी जो नीलामी हुई वो गलत तरीके से हुई, और क्या कुछ उसके अंदर होना चाहिए, क्या पूरा मामला है एक बार देखिए। कांवटिया अस्पताल के विकास की बात जब तय हो गई और उसके लिए 54 करोड़ की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन गई, तो आसपास की ज़मीनों को नीलाम करने से पहले सोचा जाना चाहिए था। वो उसके लिए रिजर्व है या नहीं है, अगर रिजर्व नहीं है तो फिर दिमाग किस लिए है, उसको ध्यान रखे बिना और उसको नीलाम करना, और ऐसे लोगों को नीलाम करना जो प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, तो जनता के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयत्नों के ऊपर आघात पहुँचाना है, इसलिए इसका विरोध है। और दूसरी चीज़ है, ये तो निश्चित है कि वहाँ जो ज़मीन के भाव हैं वो इससे कहीं ज़्यादा हैं, इसीलिए एसीबी को लिखा है, उन्होंने परिवाद दर्ज करके जांच शुरू की है। क्या आपको इसमें किसी साजिश की बू आती है, क्योंकि जब आपने इस चीज़ का विचार किया, सबके सामने इसको रखा, तो आनन फानन में उसकी नीलामी की घोषणा कर दी गई? नहीं, अपने को नीलामी का पता चलने के बाद ही अपन ने किया, लेकिन जब सीईओ को पत्र लिखा तो उसके बाद में राजनीतिक रूप से कुछ लोग ऐसे सक्रिय हुए कि जैसे कोई अपराध को बचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन उनकी भावना को कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो भी अच्छे कोच के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। अब दूसरा सवाल मेरा ये है कि कई मरतबा पिछले 8-9 महीनों के अंदर जो वर्तमान में जो भी अधिकारी हैं उनको बदलने की बात उठ रही है, भले धीरे धीरे उठ रही हो, लेकिन अभी पिछले हम 2-4-5 दिन की बात करें या पिछले महीने भर की बात करें, राजधानी जयपुर के अंदर कई ऐसी घटनाएं हुई हैं, भले वो दुर्घटना हो या सचिवालय स्तर पर कोई चीज़ हो। अब पहले तो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता जो बीजेपी कार्यालय आकर कह के गए हैं, दूसरा अब आम आदमी भी ये कहने लग गया है कि हमने बीजेपी को वोट दिया था, हमारी हिंदू हमारी सनातनी सरकार को वोट दिया था, लेकिन हमारी ही आवाज़ नहीं सुनी जा रही। शास्त्री नगर वाला प्रकरण भी इस के अंदर आता है, तो अब वो ये कहने लगे कि इससे अच्छा तो पिछली सरकार थी, अगर हमारी सरकार आई है तो फिर अधिकारी भी हमारे होने चाहिए। इसमें मयंक जी ये है कि जब राजस्थान सरकार बनी और माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री बने, उस समय राजस्थान ऐसी समस्याओं के दौर से गुजर रहा था कि पैसा था नहीं, बिजली का संकट इतना था कि कभी भी राजस्थान की बिजली खत्म बंद हो सकती है, तो उन्होंने प्रायोरिटी से बिजली के विषय को हल किया और पुराने पानी के और नए पानी से जुड़े हुए विषय उन सब का निराकरण करके एक राजस्थान को आधारभूत ढांचा देने की कोशिश की। उसी दौरान दो बार आचार संहिता लग गई, दो बार विधानसभा आ गई, तो उससे कुछ चीज़ें तात्कालिक रूप से प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन अब जो है, अब सरकार के टारगेट पर यही है, क्योंकि अपने इतने पुराने मुद्दे पानी के चल रहे थे, वो सब हल हुए हैं। फिर आप ये देखिए कि एक व्यक्ति कितनी कर्मठता से काम में लगे हुए हैं, तो किसी भी राज्य के लिए गौरव की बात है। भाई साहब, अभी आपने पानी की बात करी और जो कांवटिया अस्पताल वाला भी मुद्दा है वो कहीं ना कहीं भू माफियाओं से जुड़ा मुद्दा है। अगर हम राजस्थान के अंदर विशेष तौर पर राजधानी जयपुर में पानी और भू माफिया, इन दोनों मुद्दों को अगर कनेक्ट करें, तो इस महीने में पिछले महीने में इतनी बारिश हुई है कि न सिर्फ जयपुर के बल्कि राजस्थान के कई जो वर्षों से सूखे पड़े थे, जलाशय हों, पोखर हो, तालाब हों, वो भर गए, लेकिन रामगढ़ बांध में एक बूंद पानी नहीं आया। अब आप सोच सकते हैं कि अतिक्रमण किस स्तर का होगा। इसके लिए भी कहीं ना कहीं पिछली सरकारें हों या अधिकारी हों, उनकी हम कह सकते हैं राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रही या अधिकारियों की इच्छा शक्ति नहीं रही, फाइलों पर फाइलें घूमती रहीं, लेकिन रामगढ़ बांध अभी भी सूखा पड़ा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, रामगढ़ बांध के लिए जितना अतिक्रमण हुआ है और उसका हटना, वो बड़ी बात होगी। जनता को साथ लेकर के सरकार उतर जाएगी, तभी उस समस्या का निराकरण हो सकता है, और उसमें ये परवाह छोड़नी पड़ेगी कि इसके नतीजे क्या होंगे।
एक आखिरी सवाल और ये भी मेरा है कि जिस प्रकार से आज जनता भले ही किसी की भी सरकार हो, कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो जैसे आप जन सुनवाई भी कर रहे हैं, कई और विधायक जन सुनवाई कर रहे हैं, लेकिन ये देखा गया है, क्योंकि कल का मैं आपको ताज़ा उदाहरण दूँ, टोंक देवली से एक जोड़ा आया था, प्रेमी युगल जोड़ा, हिंदू युवक था, मुस्लिम युवती थी, 9 साल उनकी शादी को हो गए, लेकिन उनके परिवार वाले आज भी उन्हें परेशान कर रहे हैं, यातनाएं दे रहे हैं, 4 साल की उनकी विमंडित बच्ची है, और वो भी कह रहे हैं कि हम शासन प्रशासन पिछली सरकार में भी इस सरकार में भी हम हर जगह गुहार लगा चुके हैं, लेकिन बात हमारी अनसुनी है। नहीं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी हैं या जो रिश्वतखोर हैं या जिनका स्वभाव अराजकतावादी हो चुका है, वो रास्ते निकालने की कोशिश करते रहते हैं, तो उन रास्तों को बंद किया जाए। जैसे साइबर क्राइम को बंद करने के लिए भरतपुर साइड के अंदर ऐतिहासिक काम हुआ है, इस तरह से इनके पीछे पड़ना पड़ेगा। बस एक लास्ट सवाल है, गोविंद देव जी मंदिर का अभी जिक्र हुआ था कि उसका जो पैसा है सुधार का वो कहीं और लग रहा है, वो मस्जिदों में कब्रिस्तानों में लग रहा है, इसके लिए क्या कुछ कदम आपके द्वारा उठाए जाएंगे या क्या कुछ जनता को या सरकारी और लोगों को मुख्यमंत्री जी को बताया जाएगा ताकि ये पैसा जहाँ के लिए है वहीं पर लगे। देखिए, विधानसभा में सवाल उठाने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि अब देवस्थान का पैसा उधर जाना बंद हो गया है, लेकिन क्या वो एक ही विषय है? और नहीं है। वक्फ बोर्ड जाए जहाँ पर बोर्ड लगा देता है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जबकि इसके लिए निश्चित नियम बने हुए हैं कि वक्फ बोर्ड की कौन सी संपत्ति हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। क्या हम इस चीज़ को महसूस करें कि हम जैसे यहाँ खुले में घूम सकते हैं, वैसे क्या रामगंज की गली में घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते। तो न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। उन मुस्लिम भाइयों ने कोई अपराध नहीं किया है जो कानून का पालन करते हुए आराम की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन उनको भड़काने वाले उनके ही समाज के लोग बाधा बने हुए हैं। ये थे हमारे साथ गोपाल शर्मा जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि भले भूमाफिया का मामला हो, पानी का मामला हो या अन्य कोई भी मामले हो, जब तक सरकार और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति इतनी प्रबल नहीं होगी और सरकारी अधिकारी हैं उनकी इच्छा शक्ति प्रबल नहीं होगी, जब तक जनता से जुड़े किसी भी मुद्दे का हल निकलना मुश्किल है। और गोपाल जी ने इस ओर कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं, जनता की जो भी समस्याएँ हैं धीरे धीरे ही सही, लेकिन अब हल होनी और हल करनी उन्होंने शुरू कर दी है। आगे जो भी मुद्दे आएंगे, भले ही वो रामगढ़ बांध में अतिक्रमण का मुद्दा हो या गोविंद देव जी मंदिर में जो भी उसके सुधार के लिए जो पैसा है वो कहीं और लग रहा था, अब वो भी अब बंद हो गया है, जहां लगना चाहिए वहां वो धीरे धीरे लगना शुरू हो गया। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो गोपाल जी का यही कहना है कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन राजस्थान में अब सुधार होना और दिखना भी शुरू हो चुका है। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, जनता दरबार।